भारत का संविधान धारा 21 के तहत हर मानव को स्वतंत्र जीने का अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद भी बसडीहा गांव के किसानों के लगभग 200 बीघा खेतों में लगी फसलों पर किसानों को बिना सूचना दिए बिरला कंपनी ने कोयला खदान के पानी को पाइपलाइन द्वारा रात में 19/12/2015 को बहा दिया, जिसके कारण मोहम्मद सल्फीज आजाद के साथ लगभग 78 किसानों की फसल क्षति हो गई। ये आपके खेत में पानी कहाँ से आए? ये पानी सीएल से दिया, बिना कहे मतलब छोड़ दिया, हम लोगों का फसल बर्बाद कर दिया। इस खेत में आप क्या लगाए थे? गेहूं लगाए थे, मसूर, धनिया, यही सब लगाए थे। तो अब पानी आने से क्या हो गया? पानी सीएल खदान से छोड़ दिया, मतलब बिना कहे, नहीं छोड़ना चाहिए, सब सड़ गया हम लोगों का। आपका कितना फसल लगभग बर्बाद हो गया? हमारा 3 बीघा से ऊपर है। खदान वाले को अति आवेदन लिख करके हाँ, दिए? खदान वाला आया था कल। हाँ, तो क्या बोला? बोला कि 10 रोज के भीतर दे देंगे मुआवजा, लेकिन जिसका जो सही में खराबी हुआ वो सब आके देखेगा तब ना। तो वो खाली मुंह से बोल दिया कि कुछ कागज में लिख कर दिया? खाली मुंह से बोला है, लिखित नहीं दिया है अभी। लगभग कितने लोग का फसल लगी हुई है? इस कागज के मुताबिक 78 आदमी, इसमें 77 लिखा है, लेकिन 78 आदमी का दर्शाया गया 78 आदमी का। कल जब लोग गए तो मैं भी गया और अपने खेत के पास मैं खड़ा हूँ। अफसर से मैंने कहा कि ये मेरा खेत है, आप लिखिए। नहीं, चलिए रोड पर। रोड का पर क्या लिखेगा, ये तो बेईमानी की नियत है। अच्छा, ये पानी कहाँ से छोड़ा गया? ये पानी उन लोगों का कहना है कि बिड़ला जो ऊपर उसका ये है माइंस है, वहाँ से वो छोड़ा है। लेकिन जो भी हो, बिड़ला हो, टाटा हो, टोटल ECL के अंडर में है। और ये धांधली ECL इसलिए कर रही है ताकि बसडीहा वाले को भगा दे यहाँ से। मैं भी एक किसान हूँ, हमें भी फसल नष्ट होने का एहसास है। मैं और मेरे समुदाय के लोग चाहते हैं अंचलाधिकारी कंपनी से मुआवजा लेने में हमें सहयोग करें और हमें उचित मुआवजा दिलाया जाए। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से मैं अपील करती हूं कि आप सभी हमारी समुदाय की मदद के लिए हमारे बुआरी जोर के अंचलाधिकारी का नाम विजय प्रकाश मरंडी है, उनका मोबाइल नंबर 9162659049 पर फोन कर हमारी सहयोग करें। मैं मेरी निशा हासदा, जिला गोड्डा, झारखंड के संताल परगना से, इंडिया अनहर्ड के लिए।